टीडीएस क्या है और क्यों कटता है? भारत सरकार टैक्स दो तरह से लेती है। पहला है डायरेक्ट टैक्स यानी कि प्रत्यक्ष कर, और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि अप्रत्यक्ष कर। टीडीएस को साधारण भाषा में समझें तो जो लोग आपको इनकम देते हैं वही लोग आपकी इनकम का थोड़ा सा भाग टैक्स के रूप में काट लेते हैं, उसे कहते हैं टीडीएस यानी कि टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। जो संस्था इनकम का कुछ प्रतिशत काटती है उस पैसे को सरकार के खाते में जमा कर देती है। टीडीएस सरकार द्वारा इनडायरेक्ट टैक्स का तरीका है, इससे टैक्स की चोरी को रोका जाता है। अब सवाल उठता है कि क्यों कटता है टीडीएस? तो जवाब यह है कि देश चलाने के लिए टीडीएस काटा जाता है। विस्तार से इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, भारत की जनसंख्या 125 करोड़ के करीब है। देश की जनता के लिए सरकार द्वारा तमाम सुविधाएं प्रदान की जाती है। इन सभी सुविधाओं को देने के लिए जिन पैसों की आवश्यकता होती है वो पैसे हम आपसे ही आते हैं, जिसे हम टीडीएस के रूप में देते हैं। तो जो पैसा सरकार टीडीएस या किसी और अन्य टैक्स के जरिए लेती है उसी पैसे को सरकार जनता के लिए सुविधा प्रदान करके वापस भी कर देती है। यानी आपके द्वारा टैक्स के रूप में भरा गया पैसा सरकार देश के विकास में इन्वेस्ट कर देती है और आपको बेहतर सुविधा मिलती है। तो ये है टीडीएस। अब आपको पता चल गया होगा कि टीडीएस क्या है और क्यों कटता है। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।